और सारे लंबा हरे कृष्ण। जो पीछे दरवाजा बंद कर दो, घर ठंडा रहेगा। तो कम करो थ्रस्ट, कम कर। ठीक, कोई बात नहीं, कम करो। हरे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम। इसको ठीक करो, इसको गोस्वामी महाराज का जन्म तिथि था। हम लोग कल सवेरे वहां मनाए और शाम को हापुड़ में मनाए। आज हम बड़ौदा में मना रहे हैं, कल मनाएंगे अशोक नगर में, परसों फिर मनाएंगे गढ़ी, सवेरे गढ़ी में और शाम को जनकपुरी में मनाएंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। यदि जो गुरु पूर्णिमा है, इसका नाम क्यों गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ा है? नवीन प्रभु महाराज, देखो लड्डू गोपाल जी नवीन प्रभु थे। गुरुदेव की जय। जय जय।
इसको प्रभु मतलब प्रभु न हरे कृष्ण ठीक छोड़ दे हरे बोल अभी प्रश्न है कि इसको ये गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं और ये गुरु पूर्णिमा का दिन यदि ये गुरु पूर्णिमा का दिन हम क्यों एकत्रित तो हो करके अपना अपना गुरु जी को हम पूजा क्यों करते हैं कभी जो मूल गुरु है हम कहते हैं ना जो मूल गुरु है कहते कृष्णं वंदे जगत गुरु जो मूल गुरु है ये भगवान श्री कृष्णचंद्र है इसलिए बताए चार तरह के गुरु है कितने तरह के गुरु है कहते एक है भस्म प्रदर्शक मतलब है हम भक्ति से आने से पहले जिनकी कृपा से यहाँ तक पहुंचे जैसे भगवान को नहीं जानते थे अभी हमको यहाँ तक किसने लाया जैसे आप लोग आए हैं यहाँ पर सबसे पहले ये भक्ति धारा कौन लेकर के आए थे अरे जोर से बोलो बोले नवीन कृष्ण प्रभु की प्रभु जी ने इसलिए इनको कहते भत्म भत्म मतलब होता है रास्ता तो दिखाते दूसरा गुरु है फिर हम दीक्षा लेते हैं जिनसे हम मंत्र ग्रहण करते हैं दीक्षा मंत्र लेते हैं फिर जो तीसरा गुरु है जो शिक्षा हमें प्रदान करते हैं जो भक्ति मंत्र तो ले लिया लेकिन अभी जब तक हमें कोई मार्ग नहीं दिखाएगा अगर हमने मंत्र ही केवल ले लिया ले करके फिर हम नित्य वैष्णव का संग नहीं करेंगे फिर भक्ति में बढ़ नहीं सकते इसलिए श्री महाप्रभु बताए गुरुदेव तक कृपा करके हमारे हृदय में जो ये मंत्र रूपी बीज बोए हैं हृदय तक बीज को बो दिए अगर उसमें दरवाजा बंद कर पीछे दरवाजा बो तो दिए लेकिन अगर उसमें पानी नहीं देगा तो क्या होगा सूख जाएगी धीरे धीरे इसलिए जो पानी देने का काम करके धीरे 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 हमें आगे भक्ति में बढ़ाते हैं इनको कहते हैं ये शिक्षा गुरु है जो हमको धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ाते हैं ये शिक्षा गुरु है और जो शिक्षा गुरु है सभी शिक्षा गुरु बन नहीं सकते कहते कौन शिक्षा गुरु बन सकते हैं मतलब हम जिन भगवान को भक्ति करते हैं जैसे हमारे आराध्य कौन है श्री राधा और कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी है अगर इनको अगर कोई उपासना करता हुआ होगा वही व्यक्ति ही हमें आगे दिखा सकता है दूसरे व्यक्ति जो सीताराम की उपासना कर रहा है जो लक्ष्मी नारायणी की उपासना कर रहे हैं हाँ कथा सुनने तो लाभ होएगी लेकिन भक्ति के आगे हम बढ़ नहीं सकते इसलिए भक्ति के आगे बढ़ने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं स्वजातीय आश्रय सिद्ध साधु संत सतगरे सम भावापन्न होनी चाहिए जैसे आप सीए कर रहे हो अगर किसी डॉक्टर को पास में जाओगे वो क्या सीए की पढ़ाई करा सकता है नहीं करा सकता है इसलिए आप जिस विषय पर लेकर पढ़ाई कर रहे हो इस उसी विषय में जो कोई एक्सपर्ट हो ना वही तुम्हें आगे पढ़ा सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है उसको बाद में जो चौथा गुरु बताए कहते अंतर्ज्यामी गुरु ये अंतर्ज्यामी गुरु कौन बोले हमारे हृदय में बैठ करके जो प्रेरणा देते हैं अभी प्रश्न होता है हम यहाँ पर क्यों आए और भी तो बहुत संप्रदाय हैं जो कि प्रभु की भक्ति करने वाले लेकिन हमने यहाँ तक क्यों आए और हमको यहाँ तक लाए कौन यहाँ तक कौन लाए हैं बता सकते कौन लाए हैं बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र लाए इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता की हम लोग अनादिकाल से भगवान को भूल करके ये संसार में हम भटक रहे हैं कभी राजा बनते हैं कभी प्रजा बनते हैं कभी दुखी बनते हैं कभी स्वर्ग में जाते हैं कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं हम ऐसे ही 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं
है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी 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 हो रहे हैं। लेकिन ऐसे दुखी दुखी होते होते लेकिन हमें अनजान में एक सुकृति संचय हो रहे हैं। सुकृति मतलब जब हम साधु गुरु वैष्णव भगवान के लिए अगर हम कोई चीज कर लेते हैं वो जमा डिपोजिट हो रहा है। लेकिन डिपोजिट होते होते जब संसार से मुक्ति होने का समय आया और संसार में हमें भटकना नहीं पड़ा, सारे भव बंधन हमारी समाप्त हो गई, तब भी भगवत इच्छा से बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा ली, बोले गुरु और कृष्ण कृपा से ही हमें क्या होता है, ये जो भक्ति रूपी जो लता की जो बीज है इनसे ही हमें प्राप्त होता है, इनसे ही हमें प्राप्त होता है। किसकी कृपा से, बोले श्री एक तो गुरु जी ने मंत्र दिया, लेकिन कहते कृष्ण क्या किया, बोले जो यहाँ तक जो लाने का काम ये भगवान कृष्ण का है, अगर वे यहाँ नहीं लाते हमें तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए बोले कृष्णंग बंदे जगत गुरु, दुनिया का गुरु कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु है, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए श्री बिल्लो मंगल कहते हैं शिक्षा गुरु में श्री सिखपूछ मौली, हमारी शिक्षा गुरु कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही शिक्षा गुरु, जिसने हमें यहाँ तक लेकर के यहाँ तक आए। इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हम कहते ना तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधुस सखा, तुमैव तुमैव विद्या द्रविण, तुमैव और तुमैव सर्वम मम देव। इसलिए भगवान कृष्ण ही हमारी असली पिता माता है। अगर कोई पिता माता ठीक ठाक है लेकिन इस संसार में बच्चा बड़ा दुख पा रहा है, आप बताओ पिता माता कभी सुखी रह सकते हैं, पिता माता को कोई कष्ट नहीं लेकिन बच्चा बड़ा दुख भोग कर रहा है, आप बताओ पिता माता सुखी रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अगर बच्चियों को होनहार देखे पिता माता बड़े सुंदर काम धाम कर रहे हैं, काम पैसा कमा रहे हैं, बड़े आनंद में रहे, देखना पिता माता भी खुश रहते, मेरा बेटा सही सलामत है, उनका सुख में ही पिता माता सुखी रहते हैं। इसलिए हमारे असली पिता माता कौन है, भगवान कृष्ण है, हम उनके बच्चे हैं, हैं? अगर हम संसार में दुख कष्ट भोग करें वो भी सुखी रह नहीं सकते। इसलिए शास्त्र में बताया जब जीव भगवान को भूल करके ये माया की तरफ में जाता है, माया उसको खूब पिटता है, खूब मारता है और उसको दुख कष्ट को देख करके भगवान कृष्ण उसको पीछे 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 भागते रहते हैं, बोले एक बार मेरे तरफ में झांक करके तो देख, लेकिन हम उसको तरफ में झांक करके देखना नहीं चाहते, बोले नहीं तुम्हारी भक्ति नहीं करेंगे, तेरा भजन ही नहीं करेंगे, प्रभु देख ले माया हमें पिटाई करती है, संसार में हमें दुख कष्ट देती है, फिर जब दुख कष्ट देती है फिर ठाकुर जी के चरण में जाते हैं। इसलिए मैया कुंती को कृष्ण जो बोले बर मांगो, कुंती क्या मांगती है, प्रभु मेरे झोली में दुख दे दो, क्या दे दो, बोले दुनिया कहते हैं सुख संपत्ति घरे आवे और कष्ट मीट तन का और जय जगदीश हरे, तो दुख क्यों चाहते हो, बोले प्रभु हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अब जो सुख में जो सुमिरन करे दुख खाएंगे। इसलिए संसार में जो माया दुख कष्ट देती है लेकिन ये बच्चा फिर क्या कहते हैं भगवान की तरफ में फिर बोलता है। इसलिए हमारे पिता भगवान कृष्ण हैं, लेकिन हमारे दुख कष्ट को देख करके भगवान क्या कहते हैं, ये जीव को उधार करने के लिए हम गाते हैं ना रोज संसार धावा प्राप्त कल्याण गो नर नवस वंदे गुर श्री चरणारविंद।
जब ये गुरु कौन है, बोले भगवान हमारी दुख कष्ट को देख करके ये संसार रूपी जो दावा नल है, आग जो जल रही है संसार में, तरह तरह का जो दुख कष्ट को हम भोग करते हैं, ये दुख कष्ट को देख करके भगवान हमारे पिता माता है, कहते उनकी कृपा ही ये एक मूर्ति रूप धारण करता है। कौन है? श्री गुरुपाद रत्न। भगवान की कृपा ही ये गुरु रूप में जगत में आते हैं। इसलिए शास्त्र ने बताया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरुदेव है क्या है, समस्त शास्त्र कहता है ये गुरुदेव भगवान की अभिन्न स्वरूप है, भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इसलिए कृष्ण उद्धव को भी कहते हैं, हे उद्धव जी आचार्य मांग विजन, जो आचार्य को तुम मेरा ही रूप मानना है। इसलिए माना भगवान की कृपा ही ये एक मूर्ति रूप धारण करके आते हैं जगत में, हमें भगवान तक ले जाने के लिए, ठाकुर तक ले जाने के लिए भगवान ही गुरु रूप में जगत में आते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ लोग है भगवान जरूरत नहीं, ऐसे गुरु है नाम सुनेंगे जय गुरुदेव नाम सुनेंगे, और कभी ऐसे के संप्रदाय भगवान भगवान पूजा नहीं करते, बड़ा मंदिर बना दिया अपना फटो दे दिया, अपना फटो, उस भगवान की भक्ति पूजा से कोई मतलब नहीं, बोले गुरु ही सब कुछ है, नहीं ऐसे नियम नहीं है। जैसे श्री ध्रुव महाराज, बताओ ध्रुव जी का गुरु कौन थे? नारद जी। तब नारद जब ध्रुव जी से मिले क्या मंत्र दिया था? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वाल्मीकि का गुरु कौन है? क्या नाम दिया था? भगवान राम का नाम, बोले भगवान के राम की नाम को जप करें। प्रहलाद का गुरु कौन है? नारद जी। उनको भी उन्होंने भगवान की भक्ति की उपदेश दिया। इसलिए गुरु जी का जो काम है भगवान की भक्ति के तरफ में जो हमें बढ़ाए, प्रभु की प्रेम की तरफ में हमें जो बढ़ाई, वो गुरुदेव है। इसलिए कहते जो गुरु पूर्णिमा का दिन, कहते श्री व्यास देव का जन्म तिथि है। कहते व्यास देव कौन थे? बोले भगवान की छह तरह का अवतार है, मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, ऐसे भगवान की छह अवतार है। इसलिए भगवान कभी कभी क्या करते हैं, किसी उपजुक्त व्यक्ति को अंदर में, कृष्ण तो खुद कभी कभी कृष्ण खुद आते हैं, लेकिन कृष्ण हर समय नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा की एक दिन में एक बार जगत में आते हैं, और ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग। इसलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, उपजुक्त व्यक्ति को उन्होंने अपना शक्ति संचार करके जगत में उनको भेज देते हैं, हैं? जैसे श्री व्यास देव को, ये व्यास देव को क्या बताया गया, ये व्यास देव भगवान की सत्यावेश अवतार, भगवान इनको शक्ति दे करके जगत में भेज जाओ, जगत में ये गीता रामायण भागवत वेद पुराण आदि तुम रचना करना, और लोगों को भगवान के बारे में तुम बताओ, हैं? भगवान को बारे में बताओ। इसलिए श्री व्यास देव जी जो गुरु पूर्णिमा का दिन श्री व्यास देव जन्म हुए हैं, वो व्यास नारायण स्वयं है, सत्यावेश अवतार रूप में जगत में प्रकट हुए, और वो आदि गुरु कृष्ण बंदे जगत गुरु है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी दिन सबके सब अपना अपना गुरु जी को हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ प्रश्न फिर आता है, भैया उसी दिन तो व्यास देव का जन्म तिथि है, व्यास देव जी जन्म हुए, फिर हम अपना अपना गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं? ये चीज को समझो, कहते ये व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, भगवान की भक्ति को, भगवत प्रेम को जगत में जो विस्तार करते हैं, प्रचार और प्रसार दुनिया में करते हैं, इसलिए इनका नाम व्यास है। लेकिन हमारे गुरुदेव क्या करते हैं? वही काम तो करते हैं, जगत में भगवान की भक्ति को, भगवान का प्रेम को, भगवान का नाम को, हमारे गुरु भी वही काम करते हैं, जगत में भगवान की भक्ति को विस्तार करते हैं, विस्तार करते हैं। इसलिए हम उसी दिन क्या करते हैं, अपना अपना गुरु जी को भी हम पूजा करते हैं, और सारी गुरु परंपरा को भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि
गुरु परंपरा की कृपा से ही आज हमें जो भक्ति मिली है, किसकी कृपा से? बोले गुरु जी की कृपा से। अरे गुरु जी को किसके कृपा से मिली? बोले उनकी गुरु जी की कृपा से। बोले उनको गुरु जी को किसकी कृपा से मिली? बोले उनकी गुरु जी की कृपा से। बोले उनकी गुरु जी को कैसे मिली? उनकी गुरु जी को। ऐसे करते 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 लास्ट तक जब जाओगे ना, भगवान कृष्ण तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? कृष्ण तक जाएंगे। क्योंकि भगवान सर्वप्रथम कहते ज्ञानम में परम गृहम जत विज्ञान समन्वितम। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से सृष्टि हुए, देखा पानी पानी, बोले मेरी सृष्टि कहाँ से हुई? हजार साल तक कमल नाथ में ढूंढते रहकर मिला नहीं। जो ऊपर आए बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की, भगवान ने क्या किया? पितामह ब्रह्मा जी को वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी किसको दिए? बोले नारद जी को। नारद जी किसको दिए? बोले व्यास को। बोले व्यास किसको दिए? मध्वाचार्य को। अरे वही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद अरे प्रभुपाद, प्रभुपाद से उनके गुरुजी, गुरुजी करते 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 भक्ति अभी हमारे तक आए। इसलिए हम सबके सब किससे ऋणी है? हमारी जो गुरु परंपरा सबसे ऋणी। अगर नहीं होते तो आज हम जो थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे, भक्ति भक्ति कुछ नहीं कर हैं। इसलिए हम ऋणी किसको? गुरु वर्ग के साथ में। और जो सबसे पहले किसके मिला है? भगवान कृष्ण से ये ज्ञान आए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए आज का दिन हम क्या करते हैं? सबके सब अपना अपना गुरु जी को हम पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे भारत में प्रथा है। इसलिए अभी हमारे श्री नवीन प्रभु जी कुछ इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्या है, गुरु जी क्यों पूजा करते हैं, इनकी पूजा से क्या होता है, हमें क्या मिली है, इस विषय पर बोलेंगे। हाँ ठीक। अरे माइक कहाँ है? चक्षुरुन्मीलितमेन शिखरमेण नमो विष्णुपादाय वेदांग नारायण गोस्वामी नामिने सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तुतस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव ओम विष्णु पाद स्तुतस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन। आज महान उत्सव है, हम गुरु पूर्णिमा जो 13 तारीख में होगी उसको आज मना रहे हैं। उसका कारण यह है, महाराज श्री के शिष्य पूरे विश्व भर में हैं और विश्व में सब जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हर मठ में ये चाहते हैं कि शिष्य कि हमारे गुरुदेव हमारे समीप में आए, हम उनकी पूजा वंदना कर सकें। इस हेतु महाराज जी बड़े करुणा में होने के कारण आज जो गुरु पूर्णिमा की तिथि में व्यस्त होने के कारण उसको आज बड़ौत में मना रहे हैं। श्री गुरुदेव की। महाराज श्री ने बहुत सुंदर तरीके से बतला दिया कि श्री वेद व्यास जी का आज आविर्भाव तिथि है, अर्थात गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनका जन्म है। वेद व्यास, व्यास बोलते हैं जैसे कोई व्रत या सर्कल है, सर्कल को बीच में बिंदु जो होता है सर्कल का
उससे स्पर्श करती हुई जो व्रत की परिधि है, एक बिंदु से लेकर के मध्य बिंदु से स्पर्श होती हुई और दूसरी परिधि अर्थात तृतीय बिंदु को स्पर्श करती है, उसे व्यास कहा जाता है। किसी भी वस्तु का विस्तार उसे व्यास कहा जाता है। पहले वेद एक था, उसको चार भागों में विभाजित इस हेतु किया वेद व्यास जी ने कि आगे आने वाला समय कलयुग है और जो जीव होंगे इसमें वो मंद बुद्धि होंगे, वो वेदों की व्याख्या को इतना कठिन समझेंगे, इसको थोड़ा सरल करने के लिए उन्होंने ऋग्वेद को चार वेदों में प्रकाशित कर दिया। वेदों को यदि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे, विशेष करके कलयुग जीव, अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। कारण उसके अंदर बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उसमें ज्योतिष है। थोड़ा आगे आगे आ जाइए, पीछे जो भाई लोग बैठे हैं आप लोग एकदम आगे आ जाए, पीछे एसी चल रही है, आगे एसी चल रही है, माता उधर जो भाई लोग हैं उधर एकदम आगे आ जाओ, एकदम आगे आ जाओ, सबके सब सटक कर घटते हुए बीच में खाली हो गया ना, खाली पीछे कोई बैठना नहीं, आ जाओ पीछे, सब खड़े हो जाओ पीछे। वेदों के अंदर ज्योतिष विद्या, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति, कर्म, योग और मुक्ति सब कुछ वर्णित है, तो भी इन वेदों का सार क्या है? इन वेदों का सार केवल और केवल भक्ति है। जो वेदों का सार समझना चाहता है उसे भक्ति वेदांत, जो हमारे गुरु परंपराओं में उपाधि है हमारे महाराष्ट्र की, ऐसे जो वेदों का अंत अर्थात वेदों का सार जो भक्ति है, वह हमारे गुरु परंपरा में सुंदर तरीके से समझाई जा सकती है। तो वेद व्यास जी ने, विशेष करके भगवान ने देखा कि हर प्रकार के जीव हैं, कोई तमोगुणी प्रधान है, कोई रजोगुणी प्रधान है, कोई सतोगुणी प्रधान है। उन समस्त जीवों के लिए वेदों का निर्माण हुआ। किसी को कर्म अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है, किसी को योग अच्छा लगता है, इस हेतु वेदों का निर्माण हुआ। जिस व्यक्ति को जो चाहिए वह वेदों में मिलेगा। इसके उपरांत वेदों के बाद भी जब लगा कि ये लोग अभी नहीं समझ सकते वेदों के अर्थ को, इसलिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। 17 पुराण बनाए, 18वां श्रीमद् भागवतम है। 17 पुराण में आपकी देवी उपासना, शिव उपासना और ब्रह्मांड पुराण इत्यादि बहुत सारे पुराण बनाए, जिसमें जिस व्यक्ति की जैसी रुचि है, जैसा स्वभाव है, उस पुराण से उसको लेकर के अपना व्यक्तित्व और अपना जीवन का उद्देश्य निर्धारित करके गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो भी देखा जाए, इतने सारी चीजें बनाने के बाद उन्होंने इतिहास महाभारत लिखा और अंततः सब कुछ लिखने के बाद सरस्वती नदी में स्नान करके जब बैठे तो भी उनका हृदय संतुष्ट ना था, और वहां जब उनका हृदय व्याकुल था तो श्री नारद जी वहां पर आए, उन्होंने देखा मेरे गुरुदेव आए हैं, उठ करके प्रणाम किया, स्वागत किया, आसन दिया, नारद श्री को बिठाया और उनसे निवेदन किया, हे गुरुदेव
मैंने सब कुछ किया, वेदों का विस्तार किया, पुराणों को लिखा, महाभारत लिखी, तो भी मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं। नारद जी ने कहा, देखो तुमने वेदों में अलंकार भाषाओं से भक्ति तो लिखी, लेकिन बहुत कम, छिपा छिपा के लिखी। उसमें कर्म को, ज्योतिष को, ज्ञान को, योग को बहुत उजागर किया। उसमें लोग बाग भगवान को निराकार मान लेते हैं कई लोग, और कई लोग योग को, कई लोग ज्योतिष को ही अपना ध्येय मान लेते हैं। तो उसके बाद जो तुमने पुराण लिखे, उनमें भी तुमने भ्रमित कर दिया लोगों को। किसी में तुमने देवी को ईश्वर बता दिया, किसी में शिवजी को ईश्वर बता दिया, किसी में ब्रह्मा जी को ईश्वर बता दिया। लोग बाग भ्रमित हो गए, और तुम्हारे हृदय में जो व्याकुलता है, उसका एकमात्र कारण यह है कि तुमने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर रूप, ये सब आपने वर्णन नहीं किया। नाम रूप लीला गुण इत्यादि जब तक तुम सुंदर तरीके से व्याख्या नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे हृदय में शांति कहां से मिलेगी। तब गुरुदेव की कृपा से श्री वेद व्यास जी को भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला हृदय में प्रकाशित हुई, उनका सुंदर दर्शन किया, तब जाकर के 18वां पुराण श्रीमद भागवतम उन्होंने लिखा। जो हृदय में देखते हैं वही लिखते हैं। बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की जय। अब भक्ति इतना सहज सरल होते हुए भी लोग बाग इसकी तरफ नहीं जाते। उसका कारण यही है कि मैं और मेरा इस देह अभिमान में व्यस्त हम सब पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अंततः मृत्यु आती है, उस समय कुछ हाथ में रहता नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। अर्थात जो ज्ञान कांड है और जो कर्म कांड है, वो केवल विष के समान है या विषयों का एक मटका है। इस तरीके से क्यों बताया? क्योंकि कर्मकांड में यदि आप देखते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा उपासना करते हैं, तो संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग उसकी पूजा उपासना करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। उससे क्या होगा, हमें वह वस्तु मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी, लेकिन हम भगवान से और भक्ति से दूर चले जाएंगे, इन संसार में पुनः चक्र काटते रह जाएंगे। जिस प्रकार से हम घर परिवार और बड़े बड़े धन महल इत्यादि की इच्छा करते हुए कर्मकांड की उपासना करवाते हैं पुरोहितों से, पंडितों से, उससे मिलेगा, लेकिन हम माया में फंस जाते हैं। तो इसे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये विष के समान है। क्यों? क्योंकि ये संसार में पुनः लगाते हैं। ये जड़ वस्तुएं जब तक हमारी ओर लिप्त रहेंगी, हमसे हमारी आसक्ति इन जड़ वस्तुओं में रहेगी, तब तक हम इनसे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अब भगवान की भक्ति के लिए जो चार संप्रदाय बनाए हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए चार कुमार की जो संप्रदाय है, या रुद्र संप्रदाय है, या लक्ष्मी जी का, या ब्रह्मा जी का, जो चार संप्रदाय है, इसमें ये वैष्णव परंपरा शुद्ध है, लेकिन तो भी चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है, ये वैष्णव परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण ये है, अन्य वैष्णव संप्रदायों में यदि हम भक्ति करते हैं तो उसमें स्वसुख की कुछ कामना रह जाती है। वैकुंठ लोकों में जाकर के भगवान पांच प्रकार की जिस प्रकार से मुक्ति प्रदान करते हैं, जिसमें सायुज्य मुक्ति, जिसमें सामिप्य, सालोक्य, साष्टी और सारूप्य, ये पांच प्रकार की जो मुक्ति है, इन मुक्ति को प्राप्त करके हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते। उल्टा भगवान का जैसा रूप है
भगवान का समीप में बैठ करके भगवान हमें पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से हमें भी वहां पर ऐसा ऐश्वर्य भोग करने का जो स्वयं का सुख मिलता है, उससे ये सेवा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए पांचों प्रकार की मुक्ति भक्त नहीं मानता। मुक्ति की स्प्रहा, मुक्ति की कामना यदि करते हैं तो निश्चित तौर से उसे महाकेतव कहा, महाकपटी कहा। इसीलिए इन सब धर्म अर्थ काम मोक्ष श्रीमद् भागवत में इसको केतव बोल दिया, कपट कहा। इसमें तीन तो उपाधिक हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष निरुपाधिक है, तो भी इन सबको त्याग कर केवल और केवल भक्ति की अभिलाषा भक्त को करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है जो गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक आई है। इसको समझने के लिए हमें साधु संग करना होगा, गुरुदेव और वैष्णव की सेवा करनी होगी, तब जाके भगवान की सेवा मिल पाएगी। भगवान की सेवा हम नहीं समझ सकते जब तक हम वैष्णवों की सेवा नहीं करते या गुरुदेव की सेवा नहीं करते, तो भगवान की सेवा तो समझना बहुत ही दुर्लभ बात है। इसलिए हमें निरंतर तन मन वचन कर्म से गुरु हरि गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे गुरुवर्ग हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी कृपा से हमें इतना अत्यंत दुर्लभ भक्ति मार्ग, वो भी पूर्णता अत्यंत उच्च कोटि का हमें परंपरा प्राप्त हुई। उसमें हमारे दीक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशती श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और हमारे शिक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशती श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, इन दोनों की कृपा से हम सब इस भवसागर से निश्चित तौर से पार हो जाएंगे। हमने गुरुदेव का संग, दीक्षा गुरुदेव का इतना नहीं किया जितना शिक्षा गुरुदेव का संग किया, और हमने बहुत बारीकी से अपने गुरुदेव का संग करके देखा कि गुरुदेव के अंदर गुरु का इनकार भी नहीं है। श्री गुरुदेव की प्रभुपाद कहते हैं कि यदि उनके पास एक व्यक्ति आया, यदि आप सिर्फ चाय की छूट दे दें तो यहां बहुत सारे मठों में आपके शिष्य शिष्य हो जाएं। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें तारों की आवश्यकता नहीं है, हमें चांद की आवश्यकता है। एक चांद एक शिष्य ऐसा हो जाए जो पूरी पृथ्वी को भक्ति में लगा दे, ऐसे ही हम शिष्य नहीं करते, हम गुरु बनाते हैं, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। तो श्री गुरुदेव निरंतर यहां पर आकर के हम सबको भक्ति में लगाते हैं। उसका कारण यह है, अहेतुकी भक्ति। देखो भगवान जिस प्रकार से अहेतुकी कृपा करते हैं, अहेतुकी मतलब होता है बिना किसी कारण के अनकंडीशनल कृपा भगवान करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भक्त को भी अहेतुकी भक्ति करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कारण से अगर भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध प्रेम नहीं होता। यही शिक्षा हमारे गुरुवर्ग सिखाते हैं। जो सुबह सुबह हम पढ़ते हैं, गाते हैं, मंदिर को मार्जन करना, महाप्रभु का कीर्तन करना, ये सब हम गुरुदेव में देखते हैं। हमने महाराज श्री को देखा जब पांच पांच दस दस दिन के पूरे पूरे बड़े बड़े उत्सव हो गए, पूरे भारतवर्ष से और विश्व से लोग आते हैं रूप सनातन गौड़िया मठ में, लोग बाग वहां आती, गुरुदेव की कथा याद आती है। हमारे गुरुदेव जो दीक्षा गुरुदेव हैं, वो एक बार सुबह सुबह उठ करके हरिनाम कर रहे थे, तभी सेवा कुंज का पुजारी वहां पर आया और कहा मुझे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का दर्शन करना है। तो बाहर महाराज लोग थे, उन्होंने मना कर दिया,
कि नहीं अभी महाराज बाहर आएंगे तब दर्शन देंगे, आपको बताइए क्या काम है। तो उस पुजारी ने कहा कि मुझे कुछ उनको प्रसाद देना है। तो महाराज ने कहा कि हमें दे दीजिए, हम दे देंगे गुरुदेव को। तो नहीं नहीं, मुझे आज्ञा है, मैं स्वयं उनको दूंगा। तभी गुरुदेव जो कक्ष में थे, अपने भजन कुटर में थे, उन्होंने देखा कुछ बाहर संवाद चला है, तुरंत बाहर आए और कहा क्या बात है। तो उन्होंने बतलाया कि ये पुजारी आए हैं सेवा कुंज से और बहुत कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं। बोला अच्छा, बुलाओ, अंदर भेजो। अंदर जैसी भेजा, उन्होंने प्रणाम किया और समस्त प्रकार की जो प्रसादी उनके हाथ में थी वह गुरुदेव को प्रदान करते हुए बोले, हे महाराज, ये स्वयं राधा रानी ने मुझे स्वप्न आदेश दे करके ये कहा कि ये भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मेरी सखी हैं, तुम ये मेरा प्रसाद आज सुबह उठ करके उनको देकर के आना। तो वो सुनकर के महाराज श्री थोड़ा शर्मा करके अन्य प्रसाद उनको दिया और बड़े प्रेम से सारा जो राधा रानी का प्रसाद था उसको ग्रहण किया। तो ऐसे महान संत हमारे गुरु परंपरा में है। और सबसे बड़ी बात, जो गोपियों को जो आनंद मिलता है, गोपियों की जो भक्ति है, गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वही भक्ति प्रदान करने के लिए हमारे गुरुदेव पुनः पुनः यहाँ आते हैं और हमें इस संसार रूपी भवसागर से बार बार खींचते हैं। हम बार बार भवसागर की ओर जाते हैं, ये बार बार बाहर निकालते हैं। हमारी अभी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ समय जब बीतेगा तो समझ में आएगा गुरुदेव ने वह वस्तु हमें प्रदान की है जिसकी हम शब्दों में व्याख्या भी नहीं कर सकते। इतना आनंद, इतना असीम आनंद उस राधा कृष्ण की भक्ति का, जो सहजता में, जो बड़े प्रेम से, जो संग प्रदान करके, जो कीर्तन सिखा के या कीर्तन में लगा के हमें सहजता से प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव की जय। तो बहुत सारी जो है गुरुदेव की स्मृतियां हैं, परंतु समय का अभाव है, और भी वक्ता हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। वंचा कल Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एक बार सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। उत्साह नहीं दिख रहा, थोड़ा जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव शिष्यमत भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि सहस्त्र धन्वंत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तदो प्राण जय नित्रिणा प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टौत सशल भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज। जय नित्रिणा प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टौत सशल भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि सहस्त्र धन्वंत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णविन पूज्य बंधवी बंधुवन सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग जैसे अभी हमारे नवीन प्रभु जी ने बताया कि जो व्यास पूजा है वो हम मनाएंगे, वैसे तो तिथि जो वो कब है 13 तारीख को, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज हमारे सामने हमारे गुरुदेव उपस्थित है और प्रभु जी ने बताया कि गुरुदेव का जो प्रोग्राम है वो कई स्थानों पर होगा, 5 दिन तक लगातार पूरा शेड्यूल भी जगह जगह में, कभी कभी तो एक जगह दो दो प्रोग्राम भी।
ठीक है। तो उसको देखते हुए आज हम लोग बड़ौत में, हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु पूर्णिमा यहाँ मना रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने एक कथा सुनी थी, उसमें एक संप्रदाय के एक महाराज जी थे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि चलो आज मैं क्या करता हूँ, गंगा स्नान करने जाता हूँ। रविवार का दिन था, उन्होंने गृहस्थ भक्त को पूछा कि तुम, मेरी मन में इच्छा हो रही है कि मैं पास में ही कहीं हरि जाऊँ और गंगा जी में स्नान करूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो गृहस्थ भक्त बोला हाँ महाराज जी, ये तो मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ गंगा स्नान करने जाऊँगा। तो उन्होंने पूछा पास में कहाँ है या गंगा? तो किसी ने बताया ये पास में गढ़गंगा है, ज़्यादा दूर नहीं दिल्ली से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है गढ़गंगा चला जाए। तो जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो नदी गंगा जी का स्तर है ना बहुत कम था। तो उन्होंने सोचा जब यहाँ आ ही गए हैं, जब गढ़गंगा पहुँच गए या पानी का स्तर भी कम है गंगा जल का, हरि बोल, तो हम एक काम करते थोड़ा पास में हरिद्वार है, हरिद्वार ही चले जाते। तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा विचार है कि चलो हम पास में हरिद्वार ही हो पाएंगे। तो चलो एक काम करते गढ़गंगा से कहाँ चलते हैं, हरिद्वार। जब वो हरिद्वार के लिए निकले, जब हरिद्वार पहुंचे, हाँ बैठ जाइए आराम से, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ, इधर बहुत जगह, इधर जगह आगे हो जाओ, हरे कृष्ण। जब वो लोग पहुंचे हरिद्वार, हरिद्वार में उन्होंने कहा चलो स्नान किया जाए। तो महाराज जी ने बोला कि देखो हरिद्वार तो हम आ गए, पास में है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हमारे गुरुदेव हैं, तो एक काम करते कि गुरुदेव के पास ही चलते हैं, जब हरिद्वार आ ही गए तो ऋषिकेश चलते हैं। तो वो गृहस्थ व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, जब आप इतना आ ही गए हैं, गढ़गंगा से हरिद्वार भी आ गए, तो हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में क्या दिक्कत है, चलो उतना भी चल लेते हैं और गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो जब वो वहां पहुंचे, बड़ा ट्रैफिक जाम था, हरिद्वार और ऋषिकेश के रूट में बड़ा ट्रैफिक होता है। तो जब वो वहां पहुंचे रात को 10-11 बज गए थे। अब उन्होंने कहा हमें सुबह सुबह निकलना भी है, जो गृहस्थ व्यक्ति था उसने कहा था सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, अब कैसे करें। तो लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनके सेवकों के, जो महाराज जी के सेवक थे, उनके गुरुदेव के सेवक, उन्होंने बताया कि गुरुदेव तो वैसे तो रोज 10 बजे विश्राम कर लेते थे, लेकिन आज वो उठे हुए, पता नहीं क्यों उठे हुए। तो वो समझ गए कि महाराज जी हमें दर्शन देना चाहते हैं, वो हमारे मनोभाव को जान गए, और वो गए उनके कमरे में, गए उनसे मिला, प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के पश्चात उन्होंने बोला ठीक है तुम विश्राम करो, अब सुबह हम मंगल आरती में भेंट होगी। अगले दिन सुबह मंगल आरती में उठे, फटाफट उन्होंने मंगल आरती की, महाराज जी ने कथा की, कथा श्रवण करने के बाद, दर्शन करने के बाद, वो गृहस्थ व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे अब जाना होगा, अब चले। तो उन्होंने कहा ठीक है अब चलो। तो वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ कि महाराज मैं आपको गंगा स्नान नहीं करा पाया, मैं आपको गंगा स्नान नहीं कर पाया। तो महाराज जी ने क्या बोला, कह रहे हजारों हजारों करोड़ों बार गंगा जी में स्नान करने का फल जो प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, हमें सहज ही अपने गुरुदेव को दर्शन करने से हमें प्राप्त हो जाए। बोलो श्री गुरुदेव की जय। तो हजारों बार गंगा जी का में स्नान करने का फल एकमात्र गुरुदेव के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। तो वो गृहस्थ व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस अवसर पे हमारे गुरुदेव के दर्शन हुए, हम लोग यहाँ बैठे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि हम लोग जो आए हैं गुरुदेव के पास आते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो इसका क्या फल है, हरि नाम लेते हैं हम, दीक्षा करते हैं। जगत में बहुत सारे लोग हैं, कोई हरि नाम नहीं करता, कोई दीक्षा नहीं करता, तब भी अच्छे से रह रहे हैं। तो हम में क्या विशेष है कि हमने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, हम गुरुदेव के अनुगत्य में चल रहे हैं, उनके अनुगत्य में चल के हमें उनकी बातों का पालन करना पड़ रहा है, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो भाई हमें क्या प्राप्त होगा, इससे क्या होगा। एक कथा आती है, एक बार एक चोर चोरी करके राजा के महल में चोरी करके भाग रहा था, तो सिपाहियों ने देख लिया, अब सिपाही उसके पीछे पड़ गए। वो भागते 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 एक ऐसा ही सत्संग चल रहा था, बड़ा सुंदर कथा चल रही थी, वहां जाके बैठ गया और वहां बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चोर तो था, पड़ोस वाले का गमछा भी चुरा लिया और अपने सर पे डाल दिया कि चोर जो सिपाही उसे पहचान ना पाए। अब वो सिपाही आए, देख रहे भैया तो सारे सारे भक्त लोग बैठे, चोर तो बैठा ही नहीं। तभी वहां व्यासदेव आए,
जो संत थे बहुत अच्छे संत थे, सद संप्रदाय में थे, उन्होंने वह कथा आरंभ की। तो चोर ने कहा देखो बचने का एक ही तरीका है, फर्स्ट क्लास बढ़िया एसी चल रहा है, बाहर गर्मी हो रही, कहां भागता फिरूंगा, यहीं बैठ जाता हूं, सुन ले लो कथा भी, सुन ले तो क्या है देखते। तो उस दिन कथा चल रही थी पूतना की, कि पूतना ब्रज में आई। अब जब पूतना ब्रज में आई, अब पूतना भगवान कृष्ण को मारने आई, हम सभी लोग जानते। तो जब पूतना ने भगवान से बोला कि मुझे छोड़ दो, जब भगवान ने उसका प्राण सोचने लगे, तो पूतना भगवान से गिड़गिड़ा रही कि मुझे छोड़ दो। तो भगवान कह रहे तू आई क्यों, मैंने बुलाया था। कह तो संत बड़े रसिक थे, तो बोल रहे भैया भगवान कह रहे पूतना को, मैंने थोड़ा बुलाया तू ही आई। पूतना कह रही मुझे छोड़ दो। भगवान कह रहे देखो मैं तो सहज में किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता भी नहीं, ठीक है। पूतना कह रही भैया मैं कौन सी तुम्हारी भक्त हूं, मैं गोपी थोड़ी ना हूं जो मुझे पकड़ लिया तुमने। तो भगवान कह रहे भैया तो गोपी नहीं है तो क्या हुआ, गोपी ड्रेस पहन के तो आई है, गोपी ड्रेस पहन के तो आई है, गोपी भाव नहीं है तो गोपी ड्रेस तो पहन के आई है। कह रही अरे प्रभु मैं मुझे छोड़ दो, मैं आपकी माता थोड़ी ना हूं, मैंने आपकी कोई सेवा थोड़ी ना की। कह रही आपने सेवा नहीं की, माता का भेष बना के तो आई, मुझे गोदी में तो उठाया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब पूतना कह रही प्रभु मुझे छोड़ दो है। तो भगवान कह रहे देख अगर मैं तेरे पास आया होता तो छोड़ भी देता, एक तो मेरे ब्रज में आई, ब्रज तो आई आई मेरे घर में भी आ गई, अब मेरे घर में आ गई किसी का ये बताओ किसी के घर में कोई आता है तो ऐसे भी छोड़ देता है उसको, है उसको चाय नाश्ता तो पूछते ही, अब तो मेरे घर में भी आ गई तो उसे कैसे छोड़ दूं। तो किसी प्रकार पूतना बचने का प्रयास कर दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं तो तुमसे प्रेम भी नहीं करती। तो वो कह रहे भैया मैं देखो मेरा मन था मैं थोड़ा घूमूं, अब तुम मुझे क्या घुमा रही हो, तुमने मुझे ऊंचाई में घुमाया, मुझे गोदी में बिठाया, और यहाँ तक कि मेरी सेवा भी की, मुझे दूध पिलाया। वो कह रही प्रभु भगवान कह रहे भी मैं कुछ नहीं जानता, तो जहर पिला जो मर्जी पिला, तूने मुझे दूध पिलाया। सारे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम एम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा सुचा, तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और रक्षा करो, पुनर्जन्म हो जाता है। तो जब ये बात चोर ने सुनी तो उसने कहा निश्चय किया कि आज ही मैं हरि नाम लूंगा और मैं दीक्षा लूंगा। तो कथा हुई, कथा समाप्त होने के पश्चात चोर गया और संत के चरणों में गिर गया कि महाराज। तो राजा ने पूछा तुमने धन चुराया, कह रहा मैंने महाराज राजा मैंने इस जन्म में कोई धन चोरी नहीं की। क्या बोला, चोरी नहीं की। राजा ने कहा अच्छा, तो पहले जमाने में होता क्या था, परीक्षा होती थी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको गुरुदेव की बात स्मरण आ रही थी कि गुरुदेव ने क्या बोला था कि जैसे ही कोई करता है हरि नाम करता है दीक्षा लेता है तो उसका क्या हुआ, कितना कितना सज्जन व्यक्ति है, कितना सज्जन संत है ये देखो, दूसरों का पाप अपने ऊपर ले रहा है, चोरी नहीं की तब भी कह रहा मैंने चोरी की मेरे सिपाहियों को बचाने के लिए। तो वो कह रहा नहीं महाराज मैंने चोरी,